बहुत लोग ऐसे हैं जो अगत आज तक अगत जेल तक नहीं गए, इतिहास उठा के देख लीजिए। ये नहीं है कि हम ओमडन हैं तो हम कहते हैं कि अगत है कि अगत नहीं। देखिए मनोज सिन्हा आते हैं जिले में तो असर पड़ेगा, बाकी उनको छोड़ के कोई आएगा तो असर नहीं पड़ेगा। जाल अंसारी को टक्कर दे कौन सकता है? सिर्फ एक बंदा, मनोज सिन्हा छोड़ के कोई नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि सिन्हा दिल में बसते हैं? जी जी, गाजीपुर वालों के लिए, सबके लिए हैं। गाजीपुर में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी कास्ट का हो, उनकी ये बात अलग है। ये माहौल तो हमारी उम्मीद है कि सफाई का है भारी पल्ला, और कहा ये लिए कि मुसलमान सफाई की ओर देते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट पूर्वांचल जिला गाजीपुर, मैं सुशील तिवारी यहाँ पहुँचा हूँ, महुआ बाग में इस समय स्थित हैं, और लोगों से जानेंगे जो शहरी इलाके के लोग हैं आखिर सोचते क्या हैं। आपका नाम क्या है? हसनैन यासीन नाम है। यासीन जी, इस बार का माहौल क्या होगा? अगर हम बात करें, इससे पहले अफजाल अंसारी जी ने चुनाव जीता, मनोज सिन्हा चुनाव हार चुके थे, लेकिन इस बार मतदाता क्या सोच रहे हैं? इस बार जो सपा को अगर देने वाले हैं सपा को देंगे, जो बीजेपी को देने वाले हैं वो बीजेपी को देंगे। अगर लोगों का ये कहना है ना कि मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद हो सकता है कुछ लाभ मिले अफजाल अंसारी जी को, आप क्या कहेंगे? मान के चलिए 25% तो मिलना ही मिलना है, ये तो कन्फर्म है, 25% मिल जाएगा ही। अगर हम कहें, लोग कहते हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो भी माफिया हैं उन पर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है, आप इसे क्या देखते हैं? भैया भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कहता आज तक कहता जेल तक नहीं गए, इतिहास उठा के देख लीजिए, ये तो आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो आप तो देख ही रहे हैं, दुनिया ही देख रही है ना, इसमें सच्चाई तो आप खुद जान रहे हैं, आप तो खुद ही मीडिया वाले हैं। अगर आपसे क्या छिपा हुआ है? अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन, क्या मोदी जी इस बार फिर होंगे या फिर राहुल गांधी, आप सोचते क्या हैं, आखिर माहौल क्या होने वाला है? ये बताइए, एक चुनाव वाली जो बात है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हर प्रदेशों से जो चुनाव हट रहा है, सुन रहे हैं हम लोग, जो आप ही लोग बताए हैं, मीडिया ही बताइए कि सिर्फ चुनाव अब 24 के बाद क्या कहता है, एक चुनाव सिर्फ होगा, तो क्या ये बताइए वो विकास हो पाएगा जो मुख्यमंत्री करते हैं हर अपने प्रदेश में, ये आप ही बताइए। आपसे अगर हम पूछें, डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? डबल इंजन किसको आप कह रहे हैं? जैसे कि मोदी योगी जी की बात होती है कि दोनों बीजेपी की ही सरकार है, लगातार रोजगार मिला और पटल पर भी अच्छा कर रही। भैया देखिए, एक चीज़ में तो ठीक है, अभी तक जितना विकास उसने किया है वो सरकार की है, अभी तक तो सबसे ज़्यादा विकास में उन्हीं का नाम आएगा इस मामले में, तो देखिए सत्यता यही है। अब ये नहीं है कि हम ओमडन हैं तो हम कहते हैं कि कहता है कि कहता नहीं, लेकिन जितने हाईवे वाईवे जितना भी शहर में, हम लोग के छोटे शहरों में नाला वाला जो बन रहे हैं, सिविल विविल बन रही है, ये तो सत्यता है। अगर हम आपसे कहने की एक धारणा हो है कि क्या अगर हम मुस्लिम हैं तो हम बीजेपी को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, जो माहौल एक बन सा जाता है, लेकिन मैं देखते हैं लोग कि नहीं, जो विकास के लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं जो विकास करता है उसको चुनते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं, जो आपकी आवाम देख रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज सिन्हा आते हैं जिले में तो असर पड़ेगा, बाकी उनको छोड़ के कोई आएगा तो असर नहीं पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। अफजाल अंसारी को टक्कर दे कौन सकता है? सिर्फ एक बंदा, मनोज सिन्हा छोड़ के कोई नहीं, ये कन्फर्म है। अगर मैं ये कहूँ कि सिन्हा दिल में बसते हैं? जी जी, गाजीपुर वालों के लिए, सबके लिए हैं। गाजीपुर में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी कास्ट का हो, उनकी ये बात अलग है, मनोज सिन्हा की अलग बात है। भैया नाम क्या है? अविनाश सिंह नाम पड़ेगा। अविनाश जी, चुनावी सरगर्मियों की बात करूं तो पूर्वांचल के उठा पटक में गाजीपुर जिले के माहौल की बात करूं तो लोग कहते हैं यार मनोज सिन्हा ने बहुत विकास किया, वो चुनाव हारे, लेकिन अफजाल जी मैदान में है, सामने अगर मैं कहूँ बीजेपी का कैंडिडेट कोई है नहीं, लोगों का ये कहना है कि मुकाबला भाजपा और सपा में ही होगा, माहौल क्या है इस बार? मुकाबला नहीं होगा, इस बार भाजपा की जीत होगी, क्योंकि 5 साल 2014 और से 19 तक का जो गाजीपुर ने विकास देखा है, क्योंकि गाजीपुर का विकास 5 सालों में पिछले हुआ नहीं है, ना हम सांसद को अगर हम पहचानते नहीं तो पहचान भी नहीं पाते, ना हमारे सांसद दिखे हैं, सांसद हमारे सिर्फ कोर्ट कचहरी के मामलों में ही यहाँ वहाँ रह गए, विकास के नाम पर जीरो रहा।
तो गाजीपुर की जनता चाहती है कि 2024 का जो चुनाव हो, जो 2019 से 24 का बीच का फासला रह गया है, उसको पूरा करने के लिए गाजीपुर में बीजेपी का जीतना बहुत ही आवश्यक है। तो इस बार होगा क्या? लोग तो कह रहे हैं कि कोई आपका कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट तो ऐसा आएगा कि आप देखते रह जाएंगे और आ ही जाएगा बहुत जल्दी, समय का इंतजार कीजिए। अभी हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है और हम लोग उसी पर पूरी तैयारी, पूरा फोकस किए हुए हैं और पूरी तैयारी चल रही है चुनाव की अंतिम रूप में। अगर मैं कहूँ ऐसा ना हो कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो? देर तो होगा ही नहीं, हमारा माहौल बना हुआ है, हमने काम भी किया, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं आज भी। कैंडिडेट हो ना हो, हमारा कमल का फूल ही कैंडिडेट है, इसलिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और चुनाव बीजेपी गाजीपुर से, गाजीपुर का सांसद बीजेपी का होगा, ये मैं आपको आज ही 101% दावे के साथ कह दे रहा हूँ। अब पूर्वांचल में माहौल क्या है? इस सपा का गढ़, लोग कहते हैं कि सपा वाले गढ़ है ये, गाजीपुर तो गढ़ है सपा का। गढ़ है, गढ़ था, मान हम भी मान रहे हैं गढ़ है, लेकिन विकास जो 2014 से 19 के बीच में जो विकास हुआ आज तक हुआ था, हमने तो जब से होश संभाला है ऐसा विकास हमने नहीं देखा था, क्योंकि हमारे एलजी साहब थे यहाँ के सांसद और जब भी आते थे कुछ न कुछ योजना ही लेके आते थे गाजीपुर में। ऐसा नहीं, जितनी बार आए होंगे भले वो 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की योजना लेकर ही आते थे, महीने में एक बार आते थे तो योजना आती थी। अब योजनाएं 5 साल पूरी बंद रही हैं, गाजीपुर का विकास पूरा रुक गया है, और अगर वो रहे होते 2019 में अगर जीते होते तो आज गाजीपुर की तस्वीर दूसरी रहती। लोग तुझे कहते हैं ना कि मुख्तार अंसारी के इंतकाल का फायदा होगा और जीत रहे हैं अफजल अंसारी। ऐसा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इंतकाल का कोई फायदा नहीं होगा। गाजीपुर को विकास चाहिए, किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं है, गाजीपुर को विकास चाहिए, हमें भी विकास चाहिए, आपको भी विकास चाहिए, और लाभार्थी हमारे इतने हैं, इतने लाभ सरकार ने दिए हैं, तमाम लाभ है हमारे पास, हर घर धर जल है, लाभार्थी है किसानों के लिए सारे, मतलब किसी घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो लाभार्थी ना हो। इस बार चुनाव बीजेपी का है? बिल्कुल रहेगा। सीधे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाल कटिंग होती है और ये दुकान है, यहाँ पे बाल कटिंग हो रही है, सीधे ग्राउंड से मैं सुशील तिवारी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कटिंग भी होती है लोगों की, और इसके साथ ही लोकसभा की सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बाल बन रहा है और काम निश्चित ही ग्राउंड से। चाचा नाम क्या है? हमारा मोहम्मद अंसार। इस बार का माहौल क्या है भैया? माहौल का है, देखिए माहौल तो हमारी उम्मीद है कि सपई का है, भारी पल्ला और का, ये लिए कि मुसलमान सपई की ओर देते हैं। इस बार अफजल अंसारी जी हैं? हाँ, लड़ाई में तो रहे करेंगे। आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं गाजीपुर के राजनीति को, क्या कैसे देखते हैं? थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा समय हम ले रहे हैं क्योंकि भैया यहाँ पे ये देखिए कटिंग हो रही है और काफ़ी अच्छी दुकान है। गाजीपुर में हुआ बाग आते हो तो एक बार आइए आप, यहाँ पे एक बार आइए जरूर। अब और यहाँ पे आप देख रहे हैं माहौल की बात करें भैया, माहौल क्या है इस बार? अभी देखिए माहौल का, अभी टिकट उकट मिल जाए, पर्चा उर्चा भरा जाएगा तो सपा ही जीतेगी। माहौल क्या कह रहे हैं भैया? ये तो देखिए हमने काम किया है जो, उस आधार पर हम कहते हैं कि भाजपा इस बार सरकार बनने जा रही है और 400 पार तो जा ही रहे, और गाजीपुर भी सीट जीत के जा रहे हैं हम लोग, ये दावे के साथ मैं कह दे रहा हूँ आज ही। और 4 तारीख को काउंटिंग होगा, उस दिन हमको फोन करिएगा आप।